बौद्ध बौद्ध होता नव या पुराना नहीं होता जी। ये भाषा जिसने भी किया वो एक षड्यंत्र है जी। मुझे लगता है जो बौद्ध जो भी है वो बौद्ध लिखे, नव बौद्ध ना लिखे। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद गौतम जी के साथ हैं। मिशन जय भीम और 10 करोड़ बुद्ध अनुयायी बनाने का संकल्प लिया है, जानते हैं उसके बारे में। मंत्री, स्वागत है। बिल्कुल जी, नमो बुद्धाय जय भीम। मंत्री, मिशन जय भीम क्या है? हमारे तमाम दर्शक बार बार हमसे कमेंट में पूछते हैं। मिशन जय भीम एक गैर राजनीतिक मूवमेंट है जी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि समाज की ताकत मजबूत हो, समाज की आर्थिक रूप से भी समाज मजबूत हो और समाज का इतिहास साहित्य के क्षेत्र में निकल के बाहर आए और साथ में समाज के लिए आर्थिक नीतियां समाज बनाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो इन सारे मुद्दों पे काम करने के लिए और अपने बहुजन महानायकों के जीवन संघर्ष को, उनके पूरे इतिहास को समाज के सामने लाने का मिशन जय भीम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। और जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं हमारे समाज की, हमारे महापुरुषों की, उन सबको सुरक्षित व संरक्षित करवाएंगे और आने वाले समय में अपने लोगों के लिए रोजगार के साधन बने, उनको लोन की उपलब्धता हो, उनको कैरियर काउंसलिंग हो, उन सारे क्षेत्रों में भी हम लोग काम करेंगे। और 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश से 10 करोड़ से अधिक लोगों को की घर वापसी कराएंगे। वो जो तथागत बुद्ध का जो धम्म है, जो समता मैत्री भाईचारे पर आधारित, न्याय पर आधारित, जिसमें सबका मंगल है, उस धम्म में अपने समाज के 10 करोड़ लोगों को, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को घर वापसी करवाएंगे। वो तथागत बुद्ध के धम्म में वापस लोग आएंगे। 14 अक्टूबर 2025 को बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश के कोने कोने में होगा, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहब के बौद्धम ग्रहण करने के बाद हर वर्ष देश के कोने कोने में बौद्धम दीक्षाएँ सम्पन्न की जाती हैं। दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, कि हजारों की संख्या में लोगों ने घर वापसी की है या बौद्धम अपनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम सरकारी गजट के स्तर पर हम देखते हैं तो बौद्धों की संख्या को बिल्कुल शून्य बताया जाता है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि लोगों में एक गलत भावना थी कि अगर बौद्ध बन गए तो कहीं रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, कहीं नौकरियाँ जो रिजर्वेशन से मिली हैं उसकी वजह से हम लोग आ गए हैं, वो रास्ता बंद ना हो जाए। तो अब उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अगर वो बुद्धिज़्म में वापस आएंगे तो उसमें उनका रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगा, उनको सारे प्रदेशों की सरकारों को, सारे ऑफिसर्स को ये बाकायदा दिशा निर्देश ऊपर से केंद्र की सरकार से दिए हुए हैं कि कोई भी अगर बौद्ध धर्म का अगर वो बनवाता है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट एससी का बनवाता है और धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखता है तो भी उसको शुल्कास्ट का एससी का सर्टिफिकेट इशू होगा और वो एंटाइटलमेंट उसकी रिजर्वेशन की रहेंगी। बौद्ध धर्म माइनॉरिटी में आता है, बौद्ध धर्म माइनॉरिटी में आता है, लेकिन जो कॉलम होगा कास्ट सर्टिफिकेट का उसमें सिर्फ धर्म के कॉलम में उसे बौद्ध लिखना है जी। लेकिन जो जाति का प्रमाण पत्र उसको इशू होगा वो उस कास्ट का होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगी, जिसके डर की वजह से वो बाबा साहेब के रास्ते पर बौद्ध विचारधारा में तो आ गया लेकिन अभी भी वो सेंसस में वो अपने आप को हिंदू लिखवा रहा। जैसे कि आपने बताया कि 10 करोड़ के करीब आप एक अनुमान लगाकर चल रहे कि इतना हम सफल हो पाएंगे, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा होंगे जी। हमने 10 करोड़ एक लक्ष्य रखा है तो 2000, लेकिन पूरे देश में जिस तरह का जन समर्थन लोगों से मिल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है संख्या ऊपर जा सकती है। तो ये जो बौद्ध धर्म का जो सर्टिफिकेट बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है? वो तो चल रही है जी, ऑलरेडी चल रही है। लगभग कितना आप लोगों को सर्टिफिकेट में उनको कामयाब कर पाए, उनको समझा बने? नहीं, मैं तो जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर कर रहा हूँ जी, उनको मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे वो बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर भी निकाल के दिया है, इस ऑर्डर के तहत आप कास्ट सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं जिसमें धर्म के कॉलम में आप बौद्ध भी लिखेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं, आपको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो आपका बंद नहीं होगा। अच्छा, एक समस्या यहाँ पर आ रही है, आजकल कोई जैन धर्म अपना रहा है तो उसको जैन बोला जाता है, कोई वैसे धर्म में जा रहा है तो उसको वैसे बोलते हैं। आजकल बौद्धों के साथ एक समस्या ये आ रही है कि उनको नव बौद्ध की संज्ञा दी जा रही है, ये कहाँ से प्रचलन में आ गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नव बौद्ध लिखने की किसी को जरूरत नहीं है, भाषा प्रचलन शुरू कर दिया है लोगों ने। बौद्ध बौद्ध होता नव या पुराना नहीं होता जी, ये भाषा जिसने भी किया वो एक षड्यंत्र है जी। मुझे लगता है जो बौद्ध जो भी है वो बौद्ध लिखे, नव बौद्ध ना लिखे। धन्यवाद। लगता है कि जब इस तरह से समाज से भी लोग
जो राजनीति से प्रेरित हैं वो निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में वो सफल हो पाएंगे। आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी और जस्टिस इंडिया अपने सहयोगी विकास और रणवीर के साथ में मनोज अंतानी राजनिवास राजेंद्रपाल गौतम जी के मकान से। जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आप सब के समक्ष ज्योति भाई फूले के विषय में कुछ वाक्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता और सामाजिक क्रांति के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में माली समाज में हुआ था। ज्योतिबाई फूले के पिता का नाम गोविंद राव और माता का नाम चुनाबाई था। महात्मा फूले जब मात्र एक वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन सगुनाबाई नामक एक विधवा जिसे ज्योतिबाई के पिता मुंहबोली बहन मानते थे उन्होंने किया था। महात्मा ज्योतिबाई फूले भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत के शूद्रों और स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता के पुरजोर वकालत की थी। ज्योतिबाई फूले ने अपना सार्वजनिक जीवन 1848 में शुरू किया और 28 नवंबर 1890 को अपनी आखिरी दिन तक वह बहुजन समाज के कल्याण में लगे रहे। ज्योतिबाई फूले आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता था। वह अपने समय के राष्ट्रव्यापी समस्याओं से भिड़े। 1848 में हुई एक घटना ने ज्योतिबाई भाव को झकझोर कर रख दिया। एक ब्राह्मण साथी ने बारात में ज्योतिबाई फूले को आमंत्रित किया। बारात में जब उनकी जाति को पता लगने पर उन्हें अलग बिठाया गया और ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनका बेहद तिरस्कार किया। तब उन्होंने प्रण लिया कि वह अपनी जिंदगी में पिछड़े और महिलाओं के उत्थान में लगे अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। ज्योतिराव फूले ने विद्या को महत्व देते हुए अपने शब्दों में रोचक तरीके से एक टिप्पणी की। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई। इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के ही कारण हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध और कबीर के बाद महात्मा फूले को ही अपना तीसरा गुरु माना था। बाबा साहेब ने फूले के बारे में कहा था, महात्मा फूले मॉडर्न इंडिया के सबसे महान शूद्र थे जिन्होंने यह शिक्षा दी थी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत से स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए, ये हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से बड़े संघर्षों से लगाए। सबसे पहले समाज के सभी महापुरुषों व करुणा के सागर तथागत बुद्ध भगवान साहेब व साहेब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देश के सामाजिक चेतना जागृत करने वाले तथा अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित करने वाले श्री राजेंद्र पाल गौतम जी तथा मिशन जय भीम टीम के सभी सम्मानित साथियों को जो देश में आर्थिक व सामाजिक रूप से निरंतर जगाने का कार्य कर रहे हैं तथा उपस्थित सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भारत। आज हम यहाँ 65वां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्माण दिवस व 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक समाजसेवी लेखक दार्शनिक और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिराव फूले जी के परिनिर्माण दिवस जो कि 28 नवंबर 1890 को था उपस्थित हुए हैं। सवाल उठता है कि हम डॉक्टर बाबा साहब महापरिनिर्माण दिवस क्यों मनाते हैं और हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्माण दिवस हर साल देश के प्रति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महान योगदान को मनाने के लिए समारोह आयोजन करके मनाया जाता है जो कि एकजुट रखने में मदद करता है। बाबा साहब द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान अभी भी देश के मार्गदर्शक कर रहा है। बाबा साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनीतिक शिक्षा सुधार और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने दलित समाज, मजदूर वर्ग और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अभियान चलाया। 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने 5 लाख साथियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मान्यवर
श्री राजेंद्र पाल गौतम जी और मिशन जय भीम की टीम इसे आगे बढ़ाते हुए 14 अक्टूबर 2025 को 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देगी। 25 नवंबर 1449 को बाबा साहब ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अपने आप लागू नहीं होता, उसे लागू कराना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर संविधान की जिम्मेदारी है, यह उन पर निर्भर करता है कि संविधान को कितनी ईमानदारी से उसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। मेरा सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा देश के दिए गए बहुमूल्य संविधान के अनुसार देश को आज चलाया जा रहा है, तो इसका जवाब मेरे अनुसार नहीं। जिस देश का अन्नदाता किसान इस कोविड महामारी में रोड पर है, निकम्मी सरकार लंबी लंबी छोटी बातों को बहलाने फुसलाने का कार्य कर रही है, क्या अन्नदाता की तकलीफ किसी को नजर नहीं आती? नजर आती है, पर क्या करें, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार आखिर पूंजीपतियों के कहने से चल रही है। मुझे बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, मुझे आपत्ति है इनकी बंद करो योजना से। जो पहले देश में विद्वान नेता खोलते थे, ये बंद करते हैं। पहले नोटबंदी करते हैं, कोरोना के देशबंदी करते हैं, किसान की घेराबंदी करते हैं। देश किसान की बात आज नहीं सुन रहा है, कल राशन की दुकानें बंद होंगी, किसान की किस्मत कॉन्ट्रैक्ट में बंद होगी, जमाखोरी काला कानून बाजारी कानून बंद होगा। कुछ पूछ लो तो पंजाबी को खालिस्तानी, मुस्लिम को आतंकवादी, दलित पिछड़े आदिवासी को नक्सलवादी, छात्रों को टुक टुक टुकड़े गैंग, पढ़े लिखे को अर्बन नक्सली, किसानों को अपराधी, और इन सबको घोषित करने में इनकी एक फैक्ट्री चालू है जो यह अपनी बिकाऊ मीडिया के द्वारा निर्धारित कर रही है। यहाँ भारत के संविधान निर्माता को बिना सिरी और जी लगाए बोला जाता है, और महात्मा गांधी के हत्यारे को जी और सिरी लगाया जा रहा है। यहाँ कुछ भी कह दो, बस वोट लेकर अपनी मनमर्जी करने पर उतारू हैं। बड़ी इच्छा थी बुराड़ी ग्राउंड में किसानों को इकट्ठा करने की, मुझे बताओ किसान कोई सत्संग में आया? मुझे अपने मोदी जी अपने को चालाक और अन्नदाता को बेवकूफ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं ग्राउंड में घेराबंदी करके किसान आंदोलन को कुचल देंगे। वह यह गलती कर गए कि संविधान में कुछ अधिकार दिए हैं अपनी बात को रखने का। आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए, जब तक एकता है तो जीत पक्की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं कर सकता, लेकिन आपस में लड़कर वह एक दूसरे को दूसरे व्यक्ति को बादशाही जरूर दे सकता है। अंत में मेरा सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के।